श्रीलंका में आर्थिक संकट बढ़ता ही चला जा रहा है, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, दूध दवा दाम सब कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं, आक्रोशित जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। हालात पर कंट्रोल पाने के लिए इमरजेंसी के बाद अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आर्थिक तंगी से श्रीलंका बेहाल, जनता पर भीषण महंगाई की मार, न दूध न पानी न दवा, हर तरफ हाहाकार मचा। लगातार बिगड़ते हालात, लगा आपातकाल, दाने दाने को मोहताज लोग, पेट्रोल डीजल की कमी, पावर सप्लाई भी ठप, विदेशी कर्ज के बोझ से श्रीलंका तबाह हो चला है। भारत के इस पड़ोसी देश में ऐसी आर्थिक तंगी कि यहां लोगों का पेट भरना भी मुश्किल हो चला है। देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, कागज की ऐसी किल्लत की परीक्षाएं तक कैंसिल करनी पड़ रही हैं, 12-12 घंटे पावर कट लगाए जा रहे हैं, बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट को बंद किया जा रहा है, बसों के लिए डीजल तक नहीं बचा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। भूखे मरने को मजबूर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन देश के सामने चुनौती कम नहीं हो रही। राष्ट्रपति के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और बढ़ती महंगाई और कर्ज को लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरने को बेताब हैं। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने अब राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू भी लगा दिया है। श्रीलंका में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इस दौरान किसी भी नागरिक को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं होगा। आर्थिक तंगी से बदहाल हो चुके श्रीलंका में हर दिन संकट और भी गहराता चला जा रहा है। कंगाली की कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका को भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे यहां के लोग भूखे मरने को मजबूर ना हो। भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजा है, साथ ही 40,000 टन चावल की खेप भी भारत से श्रीलंका भेजने की तैयारी की जा रही है। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने पर सहमति जताई है, जिससे श्रीलंका में जरूरी चीजों की कमी को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।